आज सबसे पहले पटियाल कर्नाटक के संदेश खाली और शाहजहां शेख का परीक्षण करेगा। कर्नाटक में एक टेप स्कैंडल सामने आया है जिसमें देश के पूर्व प्रधानमंत्री का पोता और बेटा बुरी तरह घिर गए हैं। स्कैंडल डायरेक्ट पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के परिवार से जुड़ा हुआ है। टेप्स में आपत्तिजनक और अश्लील वीडियो है। दावा है कि वीडियो पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना के हैं। वीडियो को सबूत बताते हुए आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप लगाने वाली महिलाएं हैं जो खुद को आरोपी रेवन्ना की हाउस हेल्प बता रही हैं। मतलब उनका दावा है कि वो आरोपी रेवन्ना के घर में नौकरी करती थी और प्रज्वल रेवन्ना कर्नाटक की हासन लोकसभा सीट से सांसद हैं। लेटेस्ट पार्लियामेंट इलेक्शन में भी वो हासन से ही प्रत्याशी हैं, वहां वोटिंग हो चुकी है। दावा है कि आरोपी रेवन्ना अभी देश से बाहर गए हुए हैं। कुल मिलाकर ये कहें कि एक पूर्व पीएम के पोते और सांसद पर गंभीर आरोप लगे हैं। अब पटियाल आपको ये बताएगा कि उसने इसे कर्नाटक का संदेश खाली क्यों कहा। ध्यान से सुनिएगा और याद कीजिए, पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में क्या हुआ था। तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख पर महिलाओं ने शारीरिक शोषण के आरोप लगाए थे। इसे बीजेपी ने बहुत बड़ा मुद्दा बनाया, केस की जांच में सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स और एनएसजी सबको लगाया है। अब कर्नाटक का मामला देखिए, एक पूर्व पीएम का पोता जो खुद सांसद भी है, उन पर घर में काम करने वाली महिलाओं के साथ शारीरिक शोषण के आरोप लगे हैं। कर्नाटक में भी आरोप लगाने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ने का दावा किया जा रहा है। मुझे पता है क्या साजिश चल रही है। मैं उन लोगों में से नहीं जो भागते हैं। मैं यही हूँ, कानूनी लड़ाई लड़ूंगा। कहाँ गया आपका नारी शक्ति, कहाँ गया आपका नारी का सम्मान। विश्व भर में भारत का नाम आज उन्होंने शर्म से झुका दिया। किसका है हमको मालूम नहीं, वो कौन प्रज्वल रेवन्ना क्या है, किसी का डूप है, मेरा को मालूम है प्रज्वल रेवन्ना ऐसा आदमी नहीं। The team has been set up from the government of Karnataka and it will do it. It's action. मुझे लगता है कि सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे कोई कितना बड़ा व्यक्ति हो, किस पद पे हो, किस दल का हो, फर्क नहीं पड़ता। Why has the state allowed for this criminal to be sent off to Germany? ये आदमी चाहे दुनिया के किसी भी कोने में छुपा हुआ हो, इस घिनौने आदमी को घसीट कर वापस देश लेकर आइए। पूरे तरीके से इस आदमी को डिस्क्वालिफाई कर देना चाहिए इलेक्शन से। फिलहाल इस केस की जांच एसआईटी को सौंप दी गई है। आगे बढ़ने से पहले पटियाल आपको पूर्व पीएम के परिवार का एक नक्शा दिखाना चाहता है, ताकि आप ये समझ सकें कि आरोपी कैसे पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा से जुड़ा हुआ है। गौर कीजिए जरा, एचडी देवेगौड़ा के दो बेटे हैं। पहले एचडी रेवन्ना मौजूदा विधायक और कर्नाटक के पूर्व मंत्री हैं। दूसरे बेटे हैं एचडी कुमारस्वामी, जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। एचडी कुमारस्वामी की पत्नी है अनीता कुमारस्वामी। एचडी रेवन्ना की पत्नी है भवानी रेवन्ना। एचडी कुमारस्वामी का बेटा है निखिल कुमारस्वामी, जबकि एचडी रेवन्ना के दो बेटे हैं। बड़ा बेटा है सूरज रेवन्ना, कर्नाटक विधानसभा में एमएलसी है। छोटा बेटा प्रज्वल रेवन्ना है। उनके बारे में तो अब तक पटियाल आपको काफी कुछ बता ही चुका है। देवेगौड़ा फैमिली में बेटे और पोतों के अलावा उनके दामाद सीएन मंजुनाथ भी राजनीति में है। ये पूरी परिवार की पॉलिटिक्स हो गया। लोकसभा चुनाव में देवेगौड़ा परिवार के तीन मेंबर मैदान में हैं। मांड्या से बेटे एचडी कुमारस्वामी चुनाव लड़ रहे हैं। फैमिली सीट हासन से प्रज्वल रेवन्ना प्रत्याशी हैं और दामाद मंजुनाथ को लेकर बीजेपी ने बेंगलोर रूरल से उनको उम्मीदवार बनाया है। अब पटियाल आपको इस हाई प्रोफाइल केस के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां देगा। गौर कीजिए, आरोपी सांसद भी हैं और रेवन्ना रेड्डी संसदीय क्षेत्र है उनका हासन। 26 अप्रैल को वहां वोटिंग हुई। अब टेप स्कैंडल की टाइमिंग पर जरा गौर कीजिए। वोटिंग से दो दिन पहले आरोपी सांसद प्रज्वल रेवन्ना की कथित आपत्तिजनक वीडियो लोगों के बीच में पहुंचने लगी। वोटिंग खत्म होते ही प्रज्वल देश छोड़ने का दावा उनके कर दिया गया कि वो विदेश चले गए हैं। आरोप लगाने वाली महिला का दावा है कि वो रेवन्ना के घर में काम करती थी। पीड़ित 4 साल से आरोपी के घर में काम कर रही थी। 4 साल से ही
उसका शारीरिक शोषण हो रहा था। पीड़ित महिला की बेटी का वीडियो कॉल से शारीरिक शोषण किया गया। उनकी बेटी ने आरोपी का फोन नंबर ब्लॉक कर दिया, ये दावा किया गया है। आरोप गंभीर है, आरोपी सांसद जवाब देने के लिए सामने नहीं आ रहा है। ऐसे में आरोपी के पिता, जो कि राज्य विधानसभा में विधायक हैं और इस केस में सह आरोपी भी हैं, को एक्यूज्ड है, अपना पक्ष रख रहे हैं। इतने गंभीर आरोप लगने के बावजूद सह आरोपी पिता मीडिया में सफाई दे रहे हैं, पर पुलिस की पकड़ से या पुलिस की पहुंच से दूर है। ये एक राजनीतिक पैंतरेबाजी है। राज्य में कांग्रेस की सरकार है, वो जो चाहे करे। मैं कानूनी लड़ाई लड़ूंगा और जीतूंगा। प्रज्वल रेवन्ना हमेशा की तरह विदेश गए हैं, उन्हें नहीं पता FIR दर्ज कैसे करवाई जाएगी। मुझे पता है क्या साजिश चल रही है, मैं उन लोगों में से नहीं जो भागते हैं। मैं यही हूँ, कानूनी लड़ाई लड़ूंगा। ये वीडियो ये लोग 4-5 साल पहले लेकर आए थे और शिकायत उन्होंने अब दर्ज करवाई है। मैं इस मामले में कोई जवाब नहीं देना चाहता। पार्टी से निष्कासन का जिम्मा पार्टी उठाएगी। स्पेशल ऑडिट कमेटी को जांच के आदेश दिया गया है। मैं अपने खिलाफ शिकायत के बारे में भी बात नहीं करना चाहता। कर्नाटक सरकार ने SIT जांच के आदेश दे दिए हैं। अब सच सामने लाने की जिम्मेदारी सरकार और SIT की है। प्रज्वल रेवन्ना से कोई परेशानी नहीं है। अगर वो दोषी है तो कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा। अगर उसने कुछ गलत किया है तो कानून अपनी कार्रवाई करेगा। परिवार का सदस्य होने के नाते मैं उसका बचाव नहीं करना चाहता, लेकिन वीडियो टेप पेन ड्राइव से सर्कुलेट करना भी एक गंभीर अपराध है। ये SIT की जिम्मेदारी है कि वो उन गुनहगारों को पकड़े जो टेप को सर्कुलेट करके महिलाओं का चरित्र हनन कर रहे हैं। वो हमारा गठबंधन तोड़ने और जीत की संभावनाओं को कम करने के लिए पेन ड्राइव बांट रहे हैं, लेकिन हमारे प्रत्याशियों पर इसका कोई असर नहीं होगा। आप सब जानते हैं कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, आरोपी की पार्टी JDS का गठबंधन BJP के साथ है। चुनाव लोकसभा का है, इसलिए राज्य में कांग्रेस कटघरे में BJP को खड़ा कर रही है। यहां दो बातों पर गौर कीजिएगा। दावा है कि कांग्रेस आरोपी के वीडियो दिखाकर वोट मांग रही है। वो इस वीडियो के आधार पर BJP और JDS को वोट ना देने के लिए कह रही है, जबकि संदेश खाली में कांग्रेस चुप रही। यहां कर्नाटक में BJP नेताओं ने चुप्पी साध रखी है। वो जितने मुखर संदेश खाली में थे, वैसी सक्रियता अब तक कर्नाटक में नहीं दिखी। हालांकि शोषण का शिकार संदेश खाली में भी महिलाएं थी और कर्नाटक में भी महिलाएं हैं। कर्नाटक में राज्य महिला आयोग की मांग है कि SIT बने और जांच करे। संदेश खाली में BJP ने आंदोलन कर कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद CBI जांच शुरू हुई। वहां कर्नाटक का आरोपी अभी फरार बताया जा रहा है और संदेश खाली का आरोपी सलाखों के पीछे है। अब यहां पर महत्वपूर्ण बात यह है कि दर्द एक है लेकिन सवाल कहीं है। यहां पर एक देश एक प्रतिक्रिया का सिद्धांत लागू नहीं होता है। संदेश खाली और कर्नाटक पर कांग्रेस और BJP के रुख में अंतर बहुत हैरान करने वाला है। दोनों जगह जब पीड़ित महिलाएं हैं और आरोपी पावरफुल पॉलिटिकल परिवार से जुड़े हुए हैं, तो फिर रिएक्शन अलग अलग क्यों है? क्या सिर्फ फर्क के लिए तुष्टीकरण की राजनीति है? पश्चिम बंगाल में आरोपी शाहजहां शेख है, जबकि कर्नाटक में आरोपी प्रज्वल रेवन्ना है। पश्चिम बंगाल में विरोधी नेता पर आरोप है, जबकि कर्नाटक में दावा BJP के गठबंधन सहयोगी पर किया गया है। यहां एक बात और बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, वो ये कि प्राइवेट टेप के पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पर आरोपी के अलावा किसी को कोई आपत्ति नहीं है। निजी टेप कानूनी संपत्ति है, किसी राजनीतिक दल का मैनिफेस्टो नहीं है, फिर भी वायरल है। हालांकि राज्य महिला आयोग ने पुलिस से कहा है कि प्राइवेट टेप की सार्वजनिक प्रदर्शनी पर फौरन रोक लगनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं की असमत से जुड़ा हुआ मामला है। आज प्रधानमंत्री कर्नाटक में थे, वो जब हवाई अड्डे पर उतरे तो वहां मौजूद एक महिला मोहिन गौड़ा से उन्होंने पूरी श्रद्धा के साथ मुलाकात की, जैसा कि हमेशा उनके आचरण में देखा भी जाता है। मोहिनी गौड़ा कर्नाटक के सिरसी में फल बेचती हैं, वहां पर स्वच्छ भारत अभियान की एम्बेसडर है। पटियाल को लगता है कि प्रधानमंत्री को जल्द ही राजनीति में भी एक स्वच्छ भारत अभियान चलाना चाहिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन,
जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।